हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजीव क्लासेस। मैं राजीव कुमार सिंह, सीएमएम फैकल्टी ऑफ राजीव क्लासेस। आज मैं बेहाला सेंटर से वीडियो बना रहा हूँ। आज आरसीटीएचई का प्राइस सेरेमनी था और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स जिनको भी लाइक प्राइस दिए गए हैं। तो पहले तो मैं 2-3 मिनट जेई मेंस जो होने वाला है 6 से 9 के बीच में, उसके कुछ गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक जो एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, जो आपको खासा ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उन गाइडलाइंस को भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा परम कर्तव्य है, आप ऐसा बोल सकते हो, कि अपने कुछ पॉइंट्स को दिमाग में आपके डाल दें ताकि आप भूल ना सको। प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी है डेफिनेटली, तो एग्जाम भी अच्छा होगा। तो कुछ अगर पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे एनटी के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्टिंग सेंटर, अगर आपका पहला शिफ्ट है तो आपको 1.5 घंटा पहले से आप रिपोर्ट कर सकते हो। 7:30 से लेकर 9 के बीच में आपको रिपोर्ट कर लेना है। देखो मैं बता दूं, जिन बच्चों को कोलकाता में सेंटर पड़ता है टीसीएस में, टीसीएस वाले बहुत ही ज्यादा टाइम को लेकर स्ट्रिक्ट है। अगर आपका 5 मिनट भी लेट हो गया तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। तो आप काइंडली इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग सेंटर पे 7:30 से 9 के बीच में पहुंच जाना है। मतलब 8:10-15 तक पहुंचो, बहुत पहले ही पहुंचना वरना एग्जॉस्ट हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। जिनका सेकंड शिफ्ट है, अगेन 12:30 से लेकर 2 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट कर लें, आप 1:10-15 तक घुस जाए। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, आपको कोई भी ऐसा एसेसरीज लाइक पेपर, पेंसिल, ये सब चीज लेके नहीं जाना है, वाटर बोतल, बैग, क्योंकि एनटीए ने साफ बोल दिया कि उनके पास वो प्लेस नहीं होगा जहां आप रख सको। तो अननेसेसरी हेडक नहीं लेना, बस आपको एडमिट कार्ड लेके जाना और पेन अपने साइड से ले लो, कोई पेपर, और कोई ऐसे घड़ी पहन के नहीं जाना है जिसमें कैलकुलेटर हो, सब कुछ हो। तो एक कोशिश करना है अवॉइड करें, प्रॉपर नॉर्मल ड्रेस को मेंटेन करें। ऑल्दो इनके बारे में डिटेलिंग नहीं लिखी गई है, लेकिन नॉर्मल मेंटेन करें, रिलैक्स एनवायरनमेंट रहना चाहिए। बहुत पेन, पेंसिल बॉक्स ये सब लेके नहीं जाना है, ठीक है? और भी डिटेल आप पढ़ सकते हो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक फोटोग्राफ लेके जाना है, जो आपने मेंस के टाइम जब फॉर्म आप भर रहे थे उस टाइम आपको देना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट को ख्याल रखें, शिफ्ट मिसमैच ना हो जाए। और वेन्यू ऑफ टेस्ट, अगर जिनको, जो बच्चे को आइडिया नहीं है कि उनका सेंटर कहाँ है, कैसा है, कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप कोशिश करें एग्जाम से एक दिन पहले उस सेंटर को जाके देख ले, ताकि उस सेंटर से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो सके। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पैनिक होने से बचाएगा और आपका सिलेक्शन में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह जब आप उठोगे तो आपको बहुत ही लाइट फूड लेना, लेकिन कुछ खाना जरूर है। क्यों मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपको भूख लग जाएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो कोशिश करें ब्रेड ये सब हल्का लेने का, ब्रेड या दूध ऐसे चीज लें, दही चीनी खाएं, इसका भी साइकोलॉजिकल रीजन है दही चीनी खाने का, ठीक है? कंफर्टेबल आप फील करेंगे। और ज्यादा भी मतलब हार्डकोर टाइप का नहीं खा लेना है कि अपने बहुत ज्यादा खा लिए नींद आ रहा है एग्जाम में, नहीं। इन सब बातों का खास ख्याल रखना है, खास करके सेकंड शिफ्ट वाले, उस टाइम जनरली नींद आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा फूडिंग का भी ध्यान रखना है, जूस पिए, लिक्विड डाइट पे ज्यादा फोकस करें। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेंस के लिए अपलोड किया है जिसमें लास्ट डे सजेशन है। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है आपको थोड़ा खास ख्याल रखना है, आप फोटोग्राफ लेके जरूर आना। एक और इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें लाइक हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। और कोशिश करें आप जो है ओरिजिनल भी साथ में लेके जाए और एक जेरोक्स साथ में लेके जाए, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, ऑल्दो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? समझ रहा है? तो इस टाइप से कुछ गाइडलाइंस थे जो एनटीए ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, काइंडली उसको देखें और फिर जो प्रोसीड करें। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छा होगा और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, सिलेक्शन होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, आप जरूर अच्छा होगा। और आप याद रखो कि अगर आपने मेहनत किया है तो रिजल्ट जरूर आएगा, खुद पे भरोसा रखें और ऊपर वाले पे भरोसा रखें। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।